ईद मुबारक। आपने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ऊंट बिरयानी, फ्री बिरयानी खाई होगी, मगर हम आपको खिलाएंगे मरीख बिरयानी। नहीं, इसमें मरीख नहीं डलता, मगर कुकिंग मरीख पर होती है। तो तशरीफ लाते हैं हमारे मरीख के मशहूर मतबख रणवीर। मेहरबान साहिबान, कदरदान अबाजान, भाईजान और पहलवान। ड्रामा बंद करें और कुकिंग शुरू करें। जी नाज़रीन, मरीख बिरयानी बनाने के लिए अपने फ्रिज में से पिछली ईद की कुर्बानी का फ्रीज किया हुआ गोश्त निकालें, मोहल्ले वालों से उधार चावल मांगे और मरीख पर। और बिरयानी तैयार। तुमको बिरयानी कहा था, तुमने पुलाव बना दिया। क्या करूं मैडम, प्रॉब्लम है। पता है, तुम्हें बिरयानी कहो तो तुम पुलाव बना देते हो। तुम्हें पुलाव कहना चाहिए था ताकि तुम बिरयानी बनाओ। नाज़रीन, मरीख बिरयानी जमीन पर खाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा वक्त ट्रेडमिल पर गुजारें, वरना आपका वजन बढ़ जाएगा। और अगर मरीख बिरयानी खाने से आपका वजन बढ़ जाए तो उसको कम करने का तरीका है, आप मरीख पर चले जाएं। क्योंकि अगर जमीन पर आपका वजन 200 किलो है तो वही वजन मरीख पर 76 किलो और चांद पर 34 किलो होगा। मतलब आप मोटे नहीं बल्कि गलत सैयारे पर हैं। अरूसा खान जमीन पर ऐसी हैं, ये मरीख पर होती तो ऐसी होती। सॉरी, मरीख के मतबख को तो हमने इजाजत ही नहीं दी। रणवीर जाओ, जाओ, तुम्हारी टेक ओके है। हाँ जाओ। और इसके साथ ही मुझे भी इजाजत दीजिए, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.